आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं उन खबरों की और जो पेपरों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई। चलिए शुरू करते हैं बात लोकल अखबारों की। तो लोकल अखबार जो है मालवा दर्शन, उसमें जो है बड़ी खबर जो है प्रकाशित हुई है प्रमुखता से, जो है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। वहीं जो है मध्य प्रदेश में शाह और गडकरी जैसे दिग्गज जो है मोर्चा संभालेंगे। वहीं बात की जाए तो इसमें जो है लिखा है प्रमुखता से, अप्रैल और मई 2024 में प्रस्तावित जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा के लिए भाजपा के लोकसभा चुनाव योजना की बैठक जो है गुरुवार को सीहोर के एक रिसोर्ट में हुई थी। बैठक में जो है तय किया गया था कि प्रदेश के 29 संसदीय सीटों को 7 अलग अलग क्लस्टर में जो है बांटा जाएगा। क्लस्टर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे नेता जो है समय समय पर यहां आकर मोर्चा संभालेंगे। वहीं मालवा अंचल के एक क्लस्टर में जो है 5 सीटें रखी गई है, बाकी में 4-4 हर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक मंत्री और एक संगठन का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तैयार प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसमें जो है 10,000 नुक्कड़ सभाएं भी करवाएंगे भाजयुमो, जो है 10,000 नुक्कड़ सभाएं भी होगी। वही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा भी की जाएगी। इसमें जो है हर लोकसभा क्षेत्र से 10,000 लोगों को जो है अयोध्या भी भेजा जाएगा। वहीं बात की जाए तो पोस्ता कारोबारी के ठिकानों पर 6 घंटे से जो है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की जो है कार्रवाई चली थी, जो है ये इस खबर को जो है वॉइस ऑफ एमपी ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। और मालवा दर्शन जो है लोकल अखबार है, इसने भी इस खबर को जो है प्रमुखता से उठाया है। इसमें जो है मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने जो है छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया था और नीमच के पोस्ता कारोबारी विक्रम अजमेरा के गोडाउन पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की छापामार कार्रवाई की गई थी। वहीं जो है यह कार्रवाई जो है नाका नंबर 4 के पीछे चुना बगाना स्थित जो है कारोबारी के गोडाउन में जो है चल रही थी। वहीं CBN टीम के अधिकारियों का दल जो है मौके पर जो है मौजूद था और अधिकारियों द्वारा कोई भी आधिकारिक बयान इसमें नहीं दिया गया था। वहीं बात की जाए तो इसमें जो है बड़ी खबर जो है भोपाल की जो है प्रकाशित हुई है। ई नगर पालिका हैक मामले पर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सतपुड़ा मॉडल का दूसरा संस्करण तो नहीं हो गया है ये। वहीं बात की जाए तो मध्य प्रदेश में फिर पैर पसार रहा कोविड। इंदौर में जो है एक कोरोना वायरस का जो है नया संक्रमित पाया गया। पूरे देश में कोहराम मचा देने वाला कोरोना एक बार फिर जो है दस्तक देने लगा है। मध्य प्रदेश में भी जानलेवा कोरोना वायरस के मामले जो है फिर जो है बढ़ने लगे हैं। और जो है राज्य की आर्थिक राजधानी के तौर पर जो है मशहूर इंदौर में भी जो है कोरोना पॉजिटिव का जो है मरीज मिला है। वही बात की जाए तो दूसरी खबर जो है मालवा टुडे जो है लोकल अखबार है, इसमें जो है CM मोहन यादव का एक्शन प्लान जो है, नया एक्शन प्लान जो आया है उसके बारे में जो है इस खबर को जो है प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसमें जो है भोपाल विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण और मंत्रियों के भागों के आवंटन के बाद अब मंत्रियों के यहाँ स्टाफ की पदस्थापना की कवायद चल रही है। वहीं बात की जाए तो इसके लिए भी सरकार ने एक नया एक्शन प्लान बनाया है जिसके तहत मंत्रियों के यहाँ पदस्थ होने वाले स्टाफ की पूरी प्रोफाइल जो है जांची जाएगी। और इसके पीछे सरकार की मंशा है कि मंत्रियों के यहाँ साफ सुथरी छवि वाला ही स्टाफ जो है पदस्थ किया जाएगा। वहीं बात की जाए तो मालवा टुडे ने भी जो है कोरोना वायरस की जो है खबर को जो है प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं बात करें तो पोस्ता व्यापारी विक्रम अजमेरा के गोदाम पर जो है CBN की बड़ी कार्रवाई, इस खबर को भी जो है मालवा दर्शन ने प्रमुखता से उठाया है, फ्रंट पेज पर जो है इस खबर को लिया है। वहीं बात की जाए तो कलेक्टर दिनेश जैन ने जो है बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 100% लाडली बहनों का जीवन सुरक्षा बीमा करवाएं। बैसला में जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में वे पहुंचे थे और विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में गुरुवार को मनासा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय बैसला में जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कलेक्टर दिनेश जैन, विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र मारू और गोपाल गुर्जर और राकेश जैन जो है इसमें शामिल
शामिल हुए थे, जिसमें जो है कलेक्टर ने जो है शत प्रतिशत लाडली बहनों का जीवन सुरक्षा बीमा करवाने का जो है उन्होंने जो है बताया था। उन्होंने भाषण में जो संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, इस खबर को जो है मालवा टुडे ने तीसरे नंबर के पेज पर जो है प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं बात की जाए तो नीमच पत्रिका जो लोकल अखबार है इसकी, तो नीमच पत्रिका ने जो है वेदर को जो है मौसम को जो है प्रमुखता से इस अखबार में जो है फ्रंट पेज पर छापा है। खिली रही धूप, बादल छटने के साथ ही मौसम साफ हो रहा है और सर्दी से ठिठुरन जारी है। वहीं जो है साल के आगाज के साथ ही मौसम का मिजाज बिगड़ा है। लगातार 10 दिनों से कोहरा, नमी व शीतलहर ने जो है सामान्य जनजीवन को जो है प्रभावित किया है। अब 11वें दिन गुरुवार को कुछ हद तक राहत मिली क्योंकि सुबह घना कोहरा था, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण खिली कोहरा छट गया। इससे आसमान में बादल छटना शुरू हुए और दिन भर धूप छाई रही। इससे लोगों को ठंड से कुछ राहत की सांस मिली है। 446 में से जो है 113वें नंबर पर जो है नीमच रहा है। इसमें जो है फोन पर बात करने से भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस पर जो है कतराए थे। इस खबर को जो है नीमच पत्रिका ने प्रमुखता से छापा है और उसमें लिखा है कि स्वच्छता की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया नीमच, 47 पायदान से नीचे खिसका है नीमच। और इसमें जो है नीमच शहर इस बार भी स्वच्छता की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया है। इसमें जो है इसका खुलासा गुरुवार को आया है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नतीजे से हुआ है। यह नतीजा दिल्ली में जारी हुए इसके आधार पर नीमच 47 पायदान पर खिसक गया है। यानी पिछली बार नीमच जो है 66वें नंबर पर आया था, लेकिन इस बार जो है 113वें नंबर पर है। यह जो है नीमच के लिए नीमच जो है पिछड़ गया है। वहीं बात की जाए तो नीमच शहर में स्वच्छता को लेकर नज़रअंदाजी का नतीजा सभी के सामने आ गया है। इस तरह स्वच्छता रैंकिंग में जो है नीमच पिछड़ गया है। जब जिम्मेदारों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने मापदंडों में जो है परिवर्तन की बात कहकर जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली। इस बार जो है 4 साल बाद नीमच को 1 स्टार रेटिंग तथा ODF से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल पहले नीमच को 1 स्टार रेटिंग मिली थी। इसके बाद इस साल मिली है, लेकिन रैंकिंग के लिहाज से नीमच फिसड्डी रहा है। गुरुवार को दिल्ली से आए स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग के नतीजे पिछले साल से निराशाजनक रहे हैं। लगातार रैंकिंग गिरने का इस बार भी जारी रहा। हालांकि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग के मापदंडों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे नगर निगम की रैंकिंग अलग हुई तो नगर पालिका की रैंकिंग अलग हुई थी। कुल मिलाकर नीमच इस बार भी स्वच्छता की ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाया। हालांकि 1 स्टार रेटिंग मिलने से कुछ लाज बची है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में नीमच टॉप 100 में शामिल नहीं हो पाया है। वहीं 113वें नंबर पर रहकर ही संतोष करना पड़ा, जबकि पिछले साल नीमच की रैंकिंग जो है 66वें नंबर पर थी। इस तरह पिछली बार नीमच कम से कम टॉप 100 में शामिल था, लेकिन जो है इस बार वह खिताब भी जो है नीमच से छीन लिया गया। वहीं जो है प्रादेशिक स्तर पर नीमच 29वें नगर है, जहां हालांकि जो है नपा अधिकारी 1 स्टार रेटिंग मिलने को उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन जो है दिल्ली से जारी रैंकिंग में सुधार नहीं हो पाया है। इस लिहाज से नीमच का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। नीमच 446 में से 113वें नंबर पर है। वही बात की जाए पत्रिका पेपर की, तो इसमें जो है स्वच्छता सर्वेक्षण, देश का दूसरा साफ राज्य हमारा इंदौर लगातार 7वीं बार अव्वल रहा है। स्वच्छता में एक बार फिर जो है प्रदेश का जलवा दिखा है और इंदौर जो है 7वीं बार जो है अव्वल आया है। वही बात की जाए पत्रिका की, तो इसमें जो है किसानों और आदिवासियों का मुद्दा उठाया गया है। इसमें जो है फसलों की पुरातन किस्मों का संरक्षण होगा और पीढ़ियों से जिन किस्मों को उगा रहे आदिवासी, अब संरक्षण की उसकी जो है तैयारी की जाएगी। वहीं आदिवासी अंचलों में पुरातन काल से उगाई जा रही फसलों को की किस्मों के संरक्षण का कार्य कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। इसके तहत इन फसलों को सुरक्षित करने के साथ ही संरक्षित की दिशा में भी पहल शुरू की जाएगी। वहीं इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा वैज्ञानिकों की टीम तैयार की गई है, जो खेती से जुड़े किस्मों और पद्धतियों पर कार्य कर रही है। वहीं बात की जाए दूसरी खबर की, तो नई विधा ने जो है अब प्रमुखता से प्रकाशित की है। पोस्ता कारोबारी के गोदाम पर CBN का छापा। आपको बता दें कि ये खबर जो है वॉइस ऑफ MP ने भी प्रमुखता से प्रकाशित की थी। प्रदेश में फिर पैर पसार रहा कोविड, इस खबर को भी जो है प्रकाशित किया है। वहीं जो है नई विधा ने जो है
कृषि उपज मंडी के बारे में जानकारी दी है। वहीं कृषि उपज मंडी में जो है 3 दिवसीय अवकाश रहेगा, इस बारे में जो है नए विधान ने जानकारी दी है। इसमें जो बताया गया है नीमच में जो है 11 जनवरी को कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ द्वारा जानकारी दी गई थी। जानकारी के अनुसार द्वितीय शनिवार 13 जनवरी 24 और बैंक अवकाश रविवार को 14 जनवरी 2024 को जो है सामान्य अवकाश सोमवार को जो है 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व होने के कारण नीमच मंडी में जो है नीलामी कार्य बंद रहेगा और मंडी जो है बंद रहेगी। वहीं बात की जाए तो दैनिक भास्कर में जो है सुप्रीम कोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई, इस खबर को जो है प्रमुखता से लिया गया है। वहीं सर्वे में जो है महाराष्ट्र, एमपी व छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ, इस खबर को जो है प्रकाशित किया गया है प्रमुखता से। वहीं बात की जाए तो दशपुर एक्सप्रेस जो लोकल अखबार है इसमें जो है शहर की सफाई व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं फिर भी नहीं मिल रहा लाभ, इस खबर को जो है प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि नए विधान ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 एक साल में 47 कदम फिसला है और नीमच जो है 66 से 113वीं रैंक पर पहुंच गया है। वहीं बात की जाए बगाना रेलवे फाटक का दशपुर एक्सप्रेस ने बड़ा मुद्दा उठाया है। इसमें जो है बगाना रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण शुरू होने में समय लगेगा। आपको बता दें कि 34.53 करोड़ का ब्रिज बनाने नहीं कोई ठेकेदार तैयार, वहीं फिर निकाला जाएगा टेंडर। इसमें जो है टेंडर जो है वापस निकाला जाएगा क्योंकि कोई भी ठेकेदार जो है तैयार नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि बगाना रेलवे फाटक पर स्वीकृत ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने में अभी और समय लगेगा। कारण यह है कि 34.53 करोड़ रुपये का ओवरब्रिज बनाने में एक भी ठेकेदार तैयार नहीं है। इसके कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर हालातों के मद्देनजर अब सेतु विकास निगम पुनः टेंडर निकालेगा। नीमच से 34 आपको बता दें कि नीमच से छोटी सादड़ी राजस्थान को जोड़ने वाले शहर के बगाना पहुंच मार्ग पर रेलवे फाटक आम जनता के लिए सिरदर्द जो है साबित हो रहा है। वहीं इसमें जो है इसका कारण जो है यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही के कारण 24 घंटे में करीब जो है 10 घंटे रेलवे फाटक बंद रहता है। इसके कारण नीमच से बगाना की ओर आवाजाही करने वालों को जो है भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि बगाना रेलवे फाटक मार्ग पर लंबे समय से ओवरब्रिज बनाने की मांग की जा रही है। इस और आपको बता दें कि 3 साल पहले प्रदेश सरकार ने बजट में ओवरब्रिज स्वीकृत भी कर दिया था, जिसके बाद जो है सेतु ब्रिज का सर्वे शुरू किया गया था। और करीब 2 वर्ष पहले सेतु विकास निगम ने बगाना रेलवे फाटक पर 1100 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनाने की योजना तैयार की थी और रिपोर्ट तैयार कर रेलवे अधिकारियों को सौंपी थी। तब सेतु विकास निगम के अधिकारियों का कहना था कि ओवरब्रिज की ड्राइंग डिजाइन को रेलवे को स्वीकृति मिल गई है और ओवरब्रिज के टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं बात की जाए तो नीमच भास्कर जो लोकल अखबार है इसने भी जो है स्वच्छता की रैंकिंग जारी ये वाली खबर जो है प्रकाशित की है। वहीं बात की जाए तो इसमें जो है मुद्दा उठाया है कि पिछले साल के मुकाबले जो है 47वें पायदान पर जो है नीमच जो है पिछड़ गया है, इस खबर को जो है प्रमुखता से उठाया है। वहीं बात की जाए राज एक्सप्रेस की तो राज एक्सप्रेस में जो है राष्ट्रपति ने पुरस्कार किया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में टीम मध्य प्रदेश के ग्रहण किया पुरस्कार। वहीं जो है लगातार 7वीं बार इंदौर फिर बना देश भर में सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर और भोपाल भी टॉप 5 में जो है शामिल हो गया है। वहीं बात की जाए तो इसमें जो है निपाह वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जो है शुरू हो गया है, यह पहला टीका होगा, यह जो है प्रमुखता से खबर जो है इसमें प्रकाशित हुई है। इसमें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निपाह वायरस की एक वैक्सीन की ह्यूमन टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, अगर इसकी टेस्टिंग सफल रही तो निपाह वायरस की पहली वैक्सीन होगी। डॉक्टर्स दवाओं के जरिए जो है निपाह वायरस के लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते 18 से 55 वर्ष की उम्र के 52 पार्टिसिपेंट्स को इस वैक्सीन के डोज दिए गए। अब वैक्सीन का पार्टिसिपेंट्स के इम्यून सिस्टम पर क्या असर हो रहा है इस स्टडी किया जा रहा है। यह डोज उसी तकनीक पर आधारित है जिसका उपयोग जो है AZN.L और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ के COVID-19 शॉट्स में किया गया था। संभावित वैक्सीन के टेस्टिंग ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप की निगरानी में किया जा रहा है।
वहीं बात की जाए राज्य एक्सप्रेस का जो लोकल अखबार है रतलाम मंदसौर नीमच संभागीय अखबार है, इसमें जो है क्रीड़ा भारती एवं चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित 24वें खेल चेतना मेला में जो है दूसरे दिन निर्णायक मुकाबला हुआ, पुरस्कार पाकर जो है खिलाड़ियों के चेहरे खिल उठे थे। आपको बता दें कि क्रीड़ा भारती एवं चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित 24वें खेल चेतना मेला का दूसरा दिन बुधवार को विभिन्न खेल मैदानों पर निर्णायक मुकाबला हुआ। नेहरू स्टेडियम में आयोजित कुश्ती में रोमांचक मुकाबले में नन्हे पहलवानों को जो है बड़े दाव लगाते दिख रहे थे और वहीं अन्य खेलों में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर निर्णायक मुकाबले में जीत दर्ज की। वही जो आपको बता दें कि ये खबर जो है रतलाम की है, जिसको जो है प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था रतलाम मंदसौर और नीमच के राज एक्सप्रेस में। ये वो खबर थी जो हमने आपको बताया कि प्रमुखता से किन खबरों का जो है अखबारों ने प्रकाशित किया है। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।